subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends. Last lecture में हमने discuss किया था mass और weight के बीच के difference के बारे में. Friends, हम जानते हैं mass is a bulk of matter. It means that mass representing inertia of an object and weight is an attractive force due to Earth's gravitational force. हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे हम वेट कहेंगे. और हमने लास्ट लेक्चर में वेट का जो फॉर्मूला है वो देखा था. वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से और उसका इक्वेशन हो जाएगा M इंटू जी. फ्रेंड्स आप जानते हो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और हमने इस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी आगे के लेक्चरों में फाइंड की हुई है और वो थी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसे हम अर्थ के लिए कांस्टेंट लेते हैं. तो फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर g कांस्टेंट है तो जो वेट है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका वेट भी कम होगा. तो फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास जो है वो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब मास इज नॉट डिपेंडिंग ऑन प्लेस. लेकिन जबकि जो जी है जी इज डिपेंडिंग ऑन प्लेस. हम जानते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में इक्वेटर और पोल जो है वहां पे जी की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वेट है उसका कंपैरिजन करेंगे हम मास जो है उसके हिसाब से मून और अर्थ के लिए. फ्रेंड्स आप जानते हो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम ढूंढ सकेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से और उसका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. यहां पे r जो है वो रेडियस हमें दिखाता है यानी हम यहां पे ऑब्जेक्ट का जो मास है या ऑब्जेक्ट जो है उसको सरफेस के ऊपर रखेंगे और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स यहां पे ये याद रखिएगा यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट रिप्रेजेंट करता है. इट मींस दैट हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकेंगे इस फॉर्म में जहां पे स्मॉल m जो है वो है ऑब्जेक्ट का मास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. इट मींस दैट अगर हम ये इक्वेशन अर्थ के लिए लिखना चाहेंगे तो हमें मिल जाएगा फॉर अर्थ वेट जो होगा वो होगा डब्ल्यू और सफिक्स में ई लिखते हैं फॉर अर्थ और ये इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम E इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर. यहां पे E जो है सफिक्स में वो अर्थ के लिए जो वेट है वो रिप्रेजेंट करता है. एम ई इट मीन्स दैट मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इट मीन्स दैट रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये इक्वेशन हो गया अर्थ के लिए वेट का. अब यही इक्वेशन अगर हम मून के लिए लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस तरह से फॉर मून. यहां पे हम वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको कंपेयर करेंगे अर्थ के लिए और मून के लिए. मून के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू स्मॉल एम एम यहां पे जो है वो हमें मून डिस्क्राइब करता है डिनोट करता है और ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा. यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही रहेगा. इट मींस दैट उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा. तो यहां पे हमने मून और अर्थ के लिए जो वेट है उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया. फ्रेंड्स आप जानते हो कि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग रहेगा. क्यों अलग अलग रहेगा? क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स जो वेट है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है या तो अर्थ या मून के मास के ऊपर डिपेंड करता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास एंड आप जानते हो कि जो मून है और जो अर्थ है दोनों का मास सेम नहीं है.
इट मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय अर्थ इट इज नॉट सेम एज द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय मून. यानी मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और अर्थ का जो होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होगा तो वेट भी सेम नहीं होगा. इसीलिए हम यहां पे मून और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो वेट है उसको कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स हम यहां पे वैल्यूज को रख के उसकी जो कंपैरिजन है उसको आगे बढ़ाएंगे. अगर हम टेक्स्ट बुक के बारे में देखें तो टेक्स्ट बुक में हमें जो मून है उसका जो मास है वो दे दिया है और वो कितना है फ्रेंड्स, वो है 7.36 × 10^24. और हमें यहां पे जो रेडियस है मून की वो भी फ्रेंड्स दे दी गई है. रेडियस कितनी है फ्रेंड्स, 1.74 × 10^6. अब ये दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे, कैपिटल जी एंड स्मॉल एम दोनों में सेम है इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, कांस्टेंट को वैसे ही उसके साइन फॉर्म में ही रखेंगे. तो हमें यहां पे जो वेट ऑन मून मिलने वाला है फ्रेंड्स वो मिल जाएगा 2.431 × 10^10. और ये जो कांस्टेंट मैंने बताया उसको वैसे ही रख देंगे. अब ये क्या है, वेट है तो इसका यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स, न्यूटन. तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ये है वैल्यू डब्ल्यू एम की. उसी प्रकार फ्रेंड्स हम यहां पे जो अर्थ है उसकी वैल्यूज को रखेंगे उसके मास और रेडियस की. तो हमें यहां पे जो वैल्यू मिलने वाली है एम ई, इट मीन्स दैट यहां पे अगर हम वैल्यू के बारे में सोचे मास ऑफ द अर्थ तो वो हमें दिया गया है 5.98 × 10^24. और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो भी हमें दे दी गई है 6.37 × 10^6. तो फ्रेंड्स आप जानते हो इन दोनों के यूनिट के बारे में, मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा और रेडियस जो होगी वो हो जाएगी मीटर में. अगर हम यहां पे वैल्यू को रख दे फ्रेंड्स तो हमें जो वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1.47 × 10^11. 1.47 × 10^11. जी और स्मॉल एम दोनों कांस्टेंट है उसको रख देंगे और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन. तो फ्रेंड्स यहां पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए जो मून और अर्थ है उसके ऊपर वेट फाइंड किया. अब इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, इसका मतलब हम यहां पे जो है वो रेशियो ले लेंगे. चलिए फ्रेंड्स अब यहां पे हम रेशियो लेते हैं. इट मीन्स दैट डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, यानी हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे. अब वैल्यू को रखते हैं तो यहां पे मिल जाएगा 2.431 × 10^10 जी इंटू एम और नीचे डब्ल्यू ई की वैल्यू 1.47 × 10^11 जी इंटू एम. फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अगर इसकी वैल्यू हम ढूंढे तो हमें मिल जाएगा 0.165. इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6. यानी यहां पे इसको सोचे डब्ल्यू एम इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून और नीचे है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. इसका रेशियो हो गया 1/6. अगर हम यहां पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून लिखना चाहेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 × वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. तो फ्रेंड्स यहां पे ये पूरी कंपैरिजन हमें मिल गई. आप यहां पे देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है या जो मास है उससे
कंपेयर करें तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहां पे देख सकते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक है एज ए कंपेयरिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स।